हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म परीक्षा प्लस पर। टीम की ओर से मैं रमन मिश्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस समय मैं पॉलिटी में आपको भाग 5 यानी कार्यपालिका के बारे में बहुत विस्तृत तरीके से बता रहा हूं। हमने कार्यपालिका के पदाधिकारियों में सबसे पहले भारत के प्रथम नागरिक यानी राष्ट्रपति के बारे में समस्त चीज़ों को पढ़ा। उसके बाद मैंने वाइस प्रेसिडेंट के बारे में आपको सारी चीज़ों के बारे में बताया। आज हम भारत के वास्तविक जो कार्यपालक हैं उनके बारे में परिचर्चा करेंगे। यानी अगर हम देखें, नाम मात्र की कार्यपालिका भारत के राष्ट्रपति के हाथों में होती है और वास्तविक कार्यपालिका भारत में प्रधानमंत्री नेतृत्व की जो सरकार होती है इसके हाथों में होती है। तो आज हम प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ेंगे कि भारतीय संविधान में कौन कौन से ऐसे प्रावधान है जिसकी वजह से जो आपका प्रधानमंत्री है यह वास्तविक जो है कार्यपालक कहा जाता है, जबकि जो राष्ट्रपति है वह नाम मात्र का कार्यपालक कहा जाता है। इन दोनों को बहुत अच्छे से हम समझेंगे। साथ ही साथ जब प्रधानमंत्री को हम पढ़ लेंगे तो इसके बाद जब नेक्स्ट टॉपिक होगा तो उसमें मैं आपको केंद्रीय मंत्रिमंडल के बारे में विस्तृत तरीके से बताऊंगा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में आपका मंत्रिपरिषद और कैबिनेट मिनिस्टर के जो पार्ट होते हैं, मंत्रिमंडल कैबिनेट मिनिस्टर में डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं, इन सारी चीजों पर बहुत अच्छे से बात करेंगे। क्योंकि ये है सवाल, मतलब ये जो टॉपिक है भाग 5 खासकर भी आपका, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है क्योंकि इससे प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। आज उन्हीं पर हमें परिचर्चा करनी है कि प्रधानमंत्री को लेकर के भारतीय संविधान क्या क्या प्रावधान करता है, इन्हीं को बहुत गहनता से समझना है आपको। देखिए, ये जितने भी प्रोग्राम चल रहे हैं आपके, और ये खासकर जो आपके जीएस के लेक्चर होते हैं, चाहे पॉलिटी है चाहे हिस्ट्री है, इन दोनों में आप कभी ये नहीं मतलब सोचिएगा कि ये सिर्फ हमें जो है छोटे लेवल के लिए बताया जा रहा। ये सभी परीक्षा, आप राज्य स्तर की किसी परीक्षा में बैठने जा रहे हैं या अन्य किसी भी राज्य की कोई परीक्षा दे रहे, तो विषय तो बदल नहीं सकते कभी भी कि पॉलिटी वहां दूसरी हो गई या इतिहास वहां दूसरा हो गया। सब जगह पर यह आपका कार्य करेगा। आप कोई भी परीक्षा दे रहे हो, सभी जगह पर यह आपका जो पढ़ाया जा रहा है जीएस प्लस के अंतर्गत, यह आपका आपके लिए लाभदायक साबित होगा। तो जितने भी प्रोग्राम हैं यह सब टीम परीक्षा प्लस की ओर से 10 प्लस कोर्सेज के अंतर्गत सब कुछ निःशुल्क है, आप सभी को मालूम है। तो इसमें ज्यादा से ज्यादा लोग कोशिश करिए कि आपको जो हम वीडियोज फ्री दे रहे हैं, इन वीडियोज पर आधारित पीडीएफ इनकी भी होती है, नोट्स होती है क्लास की, और साथ ही साथ हम आपको उस बेस पर क्विजेज भी देते हैं जिससे कि आप अपनी तैयारी को जैसे ही पढ़ते हैं, एक बार आपने लेक्चर को देखा सही से, फिर नोट्स को पढ़ा, उसके बाद आपने क्विज अटेम्प्ट कर लिया उस पॉइंट पर, तो हर एक कॉन्सेप्ट आपके वहीं क्लियर हो जाते हैं। फिर आपको दोबारा कोशिश नहीं करनी होती है कि अच्छा इसको पढ़े कैसे, ये प्रश्न हमारा गलत हो गया, ठीक है। तो इसीलिए इस प्रोग्राम से जुड़िए 10 प्लस से, और जो भी हमारे जितने भी अलग क्रैश कोर्स चल रहे हैं उनके बारे में अगर आपका कोई मित्र ज्वाइन करना चाह रहा, चाहे ईपीएफओ पीसीएस प्री या बीओ का हो गया, तो उसके लिए एक बार जरूर परीक्षा प्लस टीम को सजेस्ट करें, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हमें पढ़ना क्या है, उन्हीं पॉइंट्स पर हम लोग बात करेंगे। तो ध्यान दें सारे लोग, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि भारत में वास्तविक और नाम मात्र का कार्यपालक जो होता है, तो वास्तविक कार्यपालक के बारे में आज हम परिचर्चा करेंगे, ठीक है। वास्तविक कार्यपालक, और यह कौन होता है, यह होता है आपका प्रधानमंत्री, ठीक है। सबसे पहले दिमाग में यह बनाइएगा, प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर आपका। अब प्राइम मिनिस्टर में सबसे पहले बात यह उठती है कि जब हम देखिए अपने यहां जो सत्ता है, कार्यपालिका है, इसमें दो चीजें अलग अलग हैं। एक तो नाम मात्र का कार्यपालक है, नाम मात्र का जो कार्यपालक होता है इसको प्रेसिडेंट, ठीक है, के पद से तुलना करते हैं, प्रेसिडेंट को जो पावर दी गई है इसीलिए इसको नाम मात्र कार्यपालक कहते हैं। और दूसरा जो होता है यह आपका वास्तविक कार्यपालक होता है। तो अपने यहां कार्यपालिका में विभेद है, इसको बहुत ढंग से समझिएगा, ठीक है। जो वास्तविक कार्यपालक है, आज इसी पर हमें बात करना है कि जो अगर कार्यपालिका के सारे अधिकारों का प्रयोग प्रधानमंत्री करता है तो प्रधानमंत्री को भारतीय संविधान में क्या क्या स्थितियां प्राप्त हैं, कौन कौन से ऐसे अधिकार प्राप्त हैं जिसके द्वारा उसका यह पद इतना गरिमापूर्ण और इतना महत्व जो है महत्वाकांक्षी हो जाता है, या महत्वपूर्ण हो जाता, महत्वाकांक्षी नहीं।
तो यही नहीं, बातों को हमें ढंग से समझना है, ठीक है। तो मैंने जो दो शब्द आपके लिए इस्तेमाल किए, प्रयोग किए यहां की, नाम मात्र कार्यपालक और वास्तविक कार्यपालक, तो सबसे पहले इन्हीं से सारी चीजों को हम शुरुआत करते हैं, क्योंकि यहां से सवाल पूछता है कि भारत में वास्तविक कार्यपालक कौन होता है, और यह भी पूछता है कि भारत में नाम मात्र का कार्यपालक कौन होता है। तो नाम मात्र आप जानते हैं, आपका प्रेसिडेंट होता है, और जो वास्तविक है वह आपका कौन होता है, वह प्रधानमंत्री होता है। तो इन्हीं पर अब हम विधिवत परिचर्चा करेंगे, ठीक है। बहुत कंसंट्रेट आपको हो जाना है और मेरी बातों को बहुत ध्यान पूर्वक सुनना है। आपके मन में जो भी सवाल उठ रहे होंगे वो सभी सवाल के जवाब आपको अंत तक वीडियो देखते रहे, सारे चीजें आपको मिल जाएंगी। देखो, संविधान द्वारा जो प्रदत्त सरकार की अपने यहां संसदीय व्यवस्था है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, इसमें राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का कार्यकारी प्रमुख है, जिसको डी ज्योर एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। डी ज्योर एग्जीक्यूटिव, इसके लिए एक टर्म यूज होता है, शब्द यूज होता है, तथा जो वास्तविक कार्यकारी आपका अध्यक्ष है या शक्तियां, वास्तविक इसकी कार्यकारी शक्तियां हैं, एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं, वह प्रधानमंत्री में निहित होती है या शामिल होती है। इसलिए प्रधानमंत्री के पद को हम ऐसा भी बोल सकते हैं, डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव, यानी यह वास्तविक कार्यपालक है आपका और यह नाम मात्र का कार्यपालक है। तो दोनों शब्दों के अर्थ को आपने समझ लिया। अब समझिए, प्रधानमंत्री की नियुक्ति को लेकर जैसे राष्ट्रपति पद के लिए बाकायदा लिखा हुआ है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, तो प्रधानमंत्री पद के लिए क्या ऐसी चीजें लिखी हैं संविधान में कि भारत का एक प्रधानमंत्री होगा? ध्यान दें, संविधान में प्रधानमंत्री के निर्वाचन और नियुक्ति के लिए कोई भी विशेष प्रक्रिया नहीं दी गई है। जैसे राष्ट्रपति के लिए निर्वाचित होना, एक निर्वाचन की प्रक्रिया, रीति, सब कुछ उसमें विस्तृत है, यहां पर कुछ नहीं दिया। यहां आर्टिकल 75 बोलता है, अनुच्छेद 75 बोलता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा, बस इतना लिखा है। यह भी सवाल पूछता है कि भारत में प्रधानमंत्री नियुक्त होता है, ठीक है, मनोनीत होता है, नामित होता है, ऐसे चार ऑप्शन आपका आपके सामने बना के रख देना। तो हमेशा याद रखना, प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, यह सवाल पूछा है। अगली बात समझिए, सरकार की जो संसदीय व्यवस्था है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, इसके अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल, यानी जब चुनाव होकर सारे दल पहुंचे तो जिस दल की संख्या बल सबसे ज्यादा है, मेजॉरिटी जिसको हासिल है, उसके दल से जो नेता होगा उस नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है, आपका प्रेसिडेंट। परंतु यदि लोकसभा में कोई भी दल स्पष्ट बहुमत में ना हो तब क्या होगा? अगर कोई भी दल स्पष्ट बहुमत में ना हो तब क्या होगा? तब आपके सामने यह उठता है कि गठबंधन से सरकार बनेगी। गठबंधन की स्थिति अगर ना हो तब राष्ट्रपति क्या करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति में अपनी वैयक्तिक कार्य की स्वतंत्रता का प्रयोग कर सकता है, यानी अपनी वैयक्तिक विवेक का वह प्रयोग करके किसी को प्रधानमंत्री बनाएगा और उससे कहेगा कि आप सदन में इतने दिन के भीतर अपनी मेजॉरिटी को प्रस्तुत करें, ठीक है। तो यह भी सवाल पूछा है कि अगर सदन में गठबंधन संभव नहीं है और किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला तो उस दशा में राष्ट्रपति किसे प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा? वहां चार विकल्प आपके सामने रख देगा और वहीं से आपको एक उत्तर चुनना होता है। तीसरा, इसमें एक और पॉइंट ध्यान रखिएगा, 1997 की बात है, सुप्रीम कोर्ट ने, उच्चतम न्यायालय ने एक निर्णय दिया था कि एक व्यक्ति को जो किसी भी सदन का सदस्य ना हो 6 महीने के लिए प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। अपने यहां अगर आप मंत्री या प्रधानमंत्री कुछ भी बनना चाहते हो, किसी भी सदन में कोई सदस्यता नहीं है, तो आप 6 माह के लिए मंत्री बन सकते हो। बस 6 माह के भीतर आपको क्या करना होगा? आपको उस समयावधि के भीतर में संसद के किसी भी सदन का सदस्य बनना पड़ेगा, चाहे राज्यसभा के बन जाए, चाहे आप लोकसभा के बन जाए, कहीं से भी आपको सदस्यता हासिल करनी होती है। अगली बात, अगर वो 6 महीने के भीतर नहीं कर पाया तो प्रधानमंत्री के पद पर नहीं रहेगा, लेकिन 6 महीने तक आप बन सकते हैं। प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य हो सकता है। यह भी सवाल पूछा है कि जो व्यक्ति प्रधानमंत्री नियुक्त होता है उसे निम्नलिखित में से किस जो है सदन का सदस्य होना चाहिए? अब वहां चार ऑप्शन रख देगा, लोकसभा का, जो है राज्यसभा का,
किसी भी राज्य की विधानसभा का और चौथा बोल दिया कि दोनों सदनों में से किसी एक का, तो वहां चाहे जो सदन हो उनमें से किसी का अगर वह सदस्य है तो वह प्रधानमंत्री आपका बना रहेगा। बात है इंदिरा गांधी 1966 का जो मामला रहा और देवगौड़ा जो 1996 में, इसमें क्या हुआ था, राज्यसभा के सदस्य थे ये दोनों के दोनों, इंदिरा गांधी भी और आपके देवगौड़ा भी। प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति उसे पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलवाता है। कौन दिलवाता है? राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट दिलवाता। प्रधानमंत्री को जब तक लोकसभा में बहुमत हासिल है राष्ट्रपति उसे बर्खास्त नहीं कर सकता है। यह भी सवाल पूछा है, कब तक? जब तक लोकसभा में उसे बहुमत हासिल है तब तक प्रेसिडेंट उसे बर्खास्त नहीं कर सकता। लोकसभा में अपना विश्वास मत अगर उसने खो दिया, मतलब उसको मेजॉरिटी हासिल नहीं रह गई, तो उसे अपने पद से त्याग पत्र देना होगा, अथवा त्याग पत्र न देने पर राष्ट्रपति उसे बर्खास्त कर सकता है। यह सवाल पूछा है, ठीक है। अगर वो त्याग पत्र नहीं दे रहा तो प्रेसिडेंट उसे बर्खास्त कर देगा। अगली चीज समझिए, प्रधानमंत्री के वेतन व भत्ते संसद द्वारा समय समय पर निर्धारित किए जाते। भाई वो भी तो एक मंत्री ही है, जैसे अन्य मंत्रियों के वेतन भत्ते होते वैसे ही इसके होते। वह संसद सदस्य का प्राप्त होने वाले वेतन एवं भत्ते प्राप्त करता है, यानी जो एक आपके एमपी को मिलता है वही वेतन और भत्ते इसको भी दिए जाते हैं, आपके प्रधानमंत्री को भी। अगली बात, प्रधानमंत्री के कार्य व शक्तियां क्या क्या है इनको समझिए, पावर्स क्या है और इनकी जो है वर्किंग क्या है, वर्क क्या क्या है समझिए इस चीज को। प्रधानमंत्री की कार्य व शक्तियां निम्नलिखित हैं। सबसे पहले चीज हम समझते हैं मंत्रिपरिषद के संबंध में, जो मिनिस्टर की काउंसिल होती है इसके संबंध में प्रधानमंत्री के क्या कार्य है, ठीक है। इसमें देखिए केंद्रीय मंत्रिपरिषद के प्रमुख रूप में प्रधानमंत्री की शक्तियां निम्न हैं, कैसी कैसी, ठीक है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद का ये प्रमुख होता, नेता होता भाई, तभी तो प्रधानमंत्री बना। वह मंत्री नियुक्त करने हेतु तो अपने दल के व्यक्तियों की सिफारिश करता है कि भाई फला फला व्यक्ति को मंत्री बनाया जाए, सिफारिश करेगा और राष्ट्रपति उन्हीं व्यक्तियों को मंत्री नियुक्त करता है जिनकी सिफारिश प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। यह सवाल पूछा है, ठीक है, जिनकी सिफारिश प्रधानमंत्री करेगा वही व्यक्ति आपका जो है मंत्री बनता है। चूंकि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता, अतः जब प्रधानमंत्री त्याग पत्र देता अथवा उसकी मृत्यु हो जाती तो अन्य कोई मंत्री कोई भी कार्य नहीं कर सकते। यह भी सवाल आपका पूछा हुआ है, प्रधानमंत्री अगर त्याग पत्र दे दे तो जो अन्य मंत्री है वह भी कोई कार्य नहीं कर सकते हैं, इस चीज को जरूर याद रखना। अगली बात यह आती है कि वह मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है, यह वो उसकी वर्किंग हो गई तथा उसके निर्णयों को प्रभावित करता है। वह पद से त्याग पत्र देकर मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर सकता है, यानी प्रधानमंत्री ने अगर अपने पद से त्याग पत्र दे दिया तो मंत्रिमंडल वहां बर्खास्त हो जाता है। वह मंत्रियों को विभिन्न मंत्रालय आवंटित करता है और उनमें फेरबदल करता रहता है, ठीक है। ये प्रधानमंत्री के पावर्स हो गई। अब राष्ट्रपति के संदर्भ में समझिए इसकी पावर्स क्या क्या है। राष्ट्रपति के संदर्भ में प्रधानमंत्री की शक्तियां अगर देखी जाए तो वह राष्ट्रपति को विभिन्न अधिकारियों जैसे भारत का महान्यायाधीश हुआ, ठीक है, साथ ही साथ महानियंत्रक एवं परीक्षक जो महालेखा परीक्षक होता है कैग जिसको आप बोलते हैं, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष हुआ, उसके सदस्य हुए, चुनाव आयुक्त हुए, वित्त आयोग का अध्यक्ष एवं उसके सदस्य हुए एवं अन्य की नियुक्ति के संबंध में परामर्श देता है प्रेसिडेंट को, ठीक है। अगली बात समझिए, वह राष्ट्रपति एवं मंत्रिपरिषद के बीच संवाद की प्रमुख कड़ी है, मेन जो आपकी कड़ी होती है, चेन होती है, वह प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। अगली बात समझिए, संसद के संबंध में प्रधानमंत्री के क्या क्या कार्य और शक्तियां हैं। प्रधानमंत्री निचले सदन का नेता होता, लोकसभा का नेता होता है, इसलिए निम्नलिखित शक्तियों का वह प्रयोग करता। वह सदन के पटल पर सरकार की नीतियों की घोषणा करता है कि गवर्नमेंट ये स्कीमें ऐसे ऐसे चलाएगी। वह किसी भी समय लोकसभा भंग करने की सिफारिश राष्ट्रपति से कर सकता है। कौन करेगा? प्रधानमंत्री करेगा। अगली बात समझिए, वह राष्ट्रपति को संसद का सत्र आहूत करने एवं सत्रावसान, ठीक है, करने से संबंधी परामर्श देता है कि अब सत्र आहूत हो, अब सत्रावसान हो।
अगली बात समझिए, अन्य शक्तियां व कार्य इसके क्या क्या हैं। तीन मुख्य भूमिकाओं के अलावा जो आपने पढ़ा, संसद के संबंध में, मंत्रिपरिषद के संबंध में और राष्ट्रपति के संबंध में, इन तीन भूमिकाओं के अतिरिक्त प्रधानमंत्री की कुछ अन्य भी कार्य और भूमिका होती है, इसको समझ लें। वह योजना आयोग, अब आपका ये हो चुका है नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय परिषद और अंतरराज्यीय परिषद का अध्यक्ष होता है हमेशा। वह राष्ट्र की विदेश नीति को मूर्त रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फॉरेन पॉलिसी जो हमारी बनती है उसमें प्रेसिडेंट का अहम रोल होता है। अगली चीज, वह केंद्र सरकार का मुख्य प्रवक्ता है, वह सत्ताधारी दल का नेता होता है। डॉक्टर वी आर अंबेडकर ने क्या बोला था कि हमारे संविधान के, इस लाइन को बहुत ध्यान से सुनना, हमारे संविधान के अंतर्गत किसी कार्यकारी की यदि अमेरिका के राष्ट्रपति से तुलना की जाए तो वह प्रधानमंत्री है। यानी अमेरिका के राष्ट्रपति को जितनी पावर्स जो जो कुछ दी गई है, भारत में वह सब कुछ प्रधानमंत्री में निहित होती है, ना कि आपके किसी राष्ट्रपति में। समझ गए? राष्ट्रपति के साथ इसके संबंध क्या होने चाहिए, कैसे होने चाहिए? संविधान में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के संबंध निम्नलिखित प्रावधान के अंतर्गत है। सबसे पहले आप जानिए व्हाट इज आर्टिकल 74, अनुच्छेद 74 क्या है, ठीक है? इसको ढंग से सुनिएगा, कई बार पूछा है। 74 ये कहता है भैया कि राष्ट्रपति की सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, ठीक है, एक काउंसिल होगी मिनिस्टर्स की, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। यह अनुच्छेद 74 कहता है राष्ट्रपति इसकी सलाह के अनुसार कार्य करेगा, हालांकि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल से उसकी सलाह पर पुनर्विचार करने के लिए कह सकता है, लेकिन सलाह उसकी लेगा जरूर। दूसरी बात, अनुच्छेद 75 क्या प्रावधान करता है प्रधानमंत्री से संबंधित, यह कहता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा, यह चीज ध्यान रखना। दूसरी बात, 75 क्या बोलता, कहता है कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहेंगे। तीसरी बात क्या है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, यह सवाल बहुत बार पूछा है, ठीक है, सामूहिक रूप से पूरी मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, जवाबदेह होती है। आर्टिकल 78 क्या बोलता है, अनुच्छेद 78 क्या कहता, यह कहता है प्रधानमंत्री के कर्तव्य के बारे में, पूछता है अनुच्छेद 78 का संबंध किससे है, तो अनुच्छेद 78 का संबंध प्रधानमंत्री के कर्तव्य से है, ध्यान रखिएगा। यह कहता है कि किसी मंत्री द्वारा लिए गए निर्णय पर यदि मंत्रिपरिषद ने विचार ना किया हो तो राष्ट्रपति चाहे तो मंत्रिमंडल को सलाह के लिए भेज सकता है कि इस पर जो है एक बार विचार किया जाए। अगली बात यह है कि राष्ट्रपति के कहने पर संघ के प्रशासन और विधायिका द्वारा लिए गए प्रस्ताव से संबंधित निर्णयों को राष्ट्रपति तक पहुंचाना। तीसरी चीज, मंत्रिपरिषद के संघ के प्रशासन और विधायिका द्वारा लिए गए प्रस्ताव से संबंधित निर्णयों को राष्ट्रपति तक पहुंचाना, यह प्रधानमंत्री के कर्तव्य के अंतर्गत है, समझे? अगली बात, प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ, प्राइम मिनिस्टर जो ऑफिस है, इससे भी सवाल पूछता है, तो इसको जान लीजिए, समझिए भैया। पीएमओ एक स्टाफ एजेंसी है आपकी, जो प्रधानमंत्री को सचिव स्तरीय सहायता और महत्वपूर्ण सलाह भी देती है। यह भारत सरकार में उच्च स्तर की निर्णय प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हालांकि यह एक संविधान नेतर निकाय है, ठीक है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, संविधान में ऐसी व्याख्या नहीं थी इसकी, ऐसे कार्यालय की कोई जिक्र नहीं था। प्रधानमंत्री कार्यालय को कार्य वितरण नियम 1961 के अंतर्गत भारत सरकार के एक विभाग का दर्जा हासिल है। अब यह भारत सरकार का एक विभाग बन गया, 1961 के द्वारा प्रावधान करके इसको एक विभाग बना दिया गया। तो पीएमओ से संबंधित आपकी जो जानकारियां हैं, और इसमें क्या है, बात है 1947 की, प्रधानमंत्री कार्यालय 1947 में गवर्नर जनरल के सचिव के स्थान पर अस्तित्व में आया। पहले गवर्नर जनरल का जो सचिव होता था उसकी जगह पर प्रधानमंत्री का कार्यालय यानी पीएमओ बनाया गया। जून 1977 तक इसे प्रधानमंत्री सचिवालय कहा जाता था, अब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस बोला जाता है, ठीक है। कार्य क्या है पीएमओ के, यह जान लीजिए भैया। जो पीएमओ है, प्रधानमंत्री कार्यालय के कार्य जो हैं, प्रधानमंत्री के विचार स्रोत, जो जो विचार, जो जो पॉइंट प्रधानमंत्री के आते हैं वो सब जान लो कि पीएमओ उन तक पहुंचाता है। और प्रधानमंत्री की योजना आयोग एवं राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष के रूप में सहायता करना,
प्रधानमंत्री के जन संपर्कों जैसे प्रेस और आम जनता के साथ संबंधों की देखभाल करना, यह भी पीएमओ करता है। राष्ट्रपति, राज्यपाल व विदेशी प्रतिनिधियों के समन्वय स्थापित करना, यह पीएमओ करता और प्रधानमंत्री के सरकार के प्रमुख के रूप में उसकी समस्त जिम्मेदारियों में सहायता करना, केंद्रीय मंत्रालयों, विभाग और राज्य सरकारों के बीच में समन्वय रखने में सहायता करना, यह पीएमओ का कार्य है। अगली बात, यह उन सभी ऐसे मामलों को देखता है जो किसी मंत्रालय या विभागों को नहीं दिए गए, वो सभी के सभी पीएमओ के अंतर्गत होते हैं। आलोचकों द्वारा प्रधानमंत्री कार्यालय अपने विभिन्न तरीके जैसे सुपर कैबिनेट, माइक्रो कैबिनेट, सुपर मिनिस्ट्री, सुपर अथॉरिटी, भारत सरकार, भारत सरकार की सरकार आदि द्वारा इसको उल्लेखित किया जाता है। पीएमओ के बारे में आलोचकों ने ऐसे ऐसे तर्ज ठीक है दिए हैं। तो ये प्रधानमंत्री कार्यालय का कार्य हो गया, स्थापना के बारे में हो गया, प्रधानमंत्री के बारे में हो गया, ठीक, जो जो अनुच्छेद इससे संबंधित रहे, कार्य हो गए, दायित्व हो गए, ठीक, इन सारी चीजों के बारे में हमने चर्चा कर ली। अब प्रधानमंत्री के बाद जो अगला दायित्व बढ़ता है, वो दायित्व मतलब अगला टॉपिक बनता है, वो टॉपिक होगा आपका केंद्रीय मंत्रिपरिषद, जो बार बार आपका कई बार जिक्र आया है। इसके बारे में हम अगले टॉपिक पर आपका जो है पढ़ेंगे, विस्तृत पर चर्चा करेंगे। तब तक पॉइंट्स आपके सारे क्लियर हो गए होंगे उम्मीद है। इससे ये जो भाग पांच है इसमें बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, कॉन्टिन्यूटी बनाए रखिए। सारी चीजें, बहुत सारे ऐसे फैक्ट हैं जिन पर आपने ध्यान नहीं दिया है, वो सारे आपके नजरों के सामने आएंगे, जिससे आपको पढ़ाई में और मजा आएगा। ठीक, तो बढ़िया बढ़िया जो है इसको शेयर भी करते जाओ, नए मित्रगण देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करते जाओ और ज्यादा से ज्यादा लोगों को परीक्षा प्लस परिवार में जोड़ते जाइए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।